है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे कॉलीफ्लावर स्टीर फ्राई। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी और बहुत टेस्टी लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल दी हूँ, इसमें गर्म होने दूंगी और 300 ग्राम कॉलीफ्लावर को ले ली हूँ और उसे काट ली हूँ अच्छे से। ठीक है, और थोड़े से उसके स्टेम को भी काट ली हूँ और एक पोटैटो को। आप पोटैटो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें मैं हल्दी डाल दी हूँ, थोड़े से हल्दी, मतलब आधा टीस्पून हल्दी और हल्दी पाउडर डाल दी हूँ और नमक भी थोड़ा सा। ठीक है, फिर ये सब अभी उसमें डाल देंगे। पानी गर्म हो गया है, मतलब उबल चुका है, तो उसमें अभी जो थोड़े से स्टेम थे एकदम नरम नरम, इसे भी डाल देंगे और ये बहुत हेल्दी रहता है। ठीक है, और जो 300 ग्राम कॉलीफ्लावर लिए थे वो भी अभी इसमें डाल देंगे और एक आलू को भी जो काट कर रखी थी बारीक बारीक करके इसमें भी डालकर एक बॉईल आ जाएगा ना, तो वो सब अभी छानकर फिर निकाल लेंगे। इसे ढककर 1-2 मिनट ही कुक करेंगे। बिना ढके भी आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं, बस उबलना चाहिए। जब उबाल आ जाएगा ना तो तब इसे छानकर निकाल लेंगे इस पानी में से। तो इस तरह करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और रोटी के साथ चपाती के साथ बहुत अच्छा लगेगा ये सब्जी कॉलीफ्लावर के। तो देखिए उबाल आ चुका है और हाई फ्लेम में ही इसको करना है। तो पूरा है बड़े छन्नी में ऐसे पूरा छान भी सकते हो और ऐसे छन्नी से निकाल सकते हो, ताकि सारा मतलब पानी से छान कर सारा निकाल लेंगे। थोड़ा सा ही पकना चाहिए बस। तो सारा मैंने छान के निकाल लिया है, देखिए इस तरह होना चाहिए। अब कढ़ाई बैठा दी हूँ और उसमें भी 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। स्टील के चम्मच में 4 चम्मच डाल देना, बड़ा चम्मच होगा तो 3 चम्मच, छोटा वाला होगा तो 4 चम्मच डाल देना। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर एक दालचीनी का स्टिक लिया है, आधा टुकड़ा, और एक छोटा तेजपत्ता और एक इलायची। फिर यहाँ पर 1 चम्मच में जीरा डाल दी हूँ और आधा टीस्पून राई। तड़कने के बाद 15 लहसुन की कली ली थी और 1 इंच अदरक, उसको कूट कर ही डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए ये सब तड़कने लगा, जीरा और राई, और ये है 15 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक। इसे पूरा मैं ऐसे कूट ली हूँ और फिर डाल दी हूँ। हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो एक ऑनियन को मैं काट कर, बारीक काट कर इसमें डाल दूँगी। ठीक है, तो ऑनियन के साथ ये लहसुन भी पकता रहेगा। तो बस इसमें कच्चापन जाने तक इसे फ्राई करेंगे ये लहसुन को। अब इतना ही पकना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा लहसुन पका देंगे तो फिर ऑनियन डालेंगे तो पूरा काला हो जाएगा लहसुन। इसलिए हल्का सा लहसुन फ्राई कर लेंगे, फिर ऑनियन को डाल देंगे और साथ में 2 हरी मिर्च भी मैं डाल दी हूँ, और उसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करेंगे ऑनियन को। ठीक है, तो इस तरह पूरा अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। ऐसे पूरा अभी पीसने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, बस इसे मैं ही मस्त मैं करके बताऊंगी, एकदम बढ़िया लगेगा, आप करके देखिएगा। तभी मैं मीडियम फ्लेम कर दी हूँ और ये देखिए पूरा ऐसे सॉफ्ट हो चुका है ऑनियन। अब फ्लेम को मैं लो कर दी हूँ। फिर 1 टमाटर काट कर रखी थी, 1 बड़ा टमाटर काट कर रखी थी, इसे अभी पूरा डाल देंगे और सभी को मिक्स कर लेंगे। और साथ में हो सके तो आप पिंच भर नमक भी डाल सकते हो। और फिर इसे लो फ्लेम में ढककर कुक करेंगे एकदम सॉफ्ट होने तक। उससे पहले थोड़ा सूखा मसाला भी डाल देंगे। तो 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, फिर गरम मसाला 1 टीस्पून और 1.5 चम्मच, मैं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दी हूँ, और यह है गरम मसाला। गरम मसाला मैं बताई थी, और यह है जीरा, भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, ठीक है 1 टीस्पून, और नमक फिर स्वादानुसार डाल देंगे। बस इसी को सब अभी मिक्स कर लेंगे। पहले भी हम नमक डाले थे, तभी भी देख कर डालिएगा, थोड़ा ही डालना। तो इसे सभी भी मिक्स कर लेंगे, फिर लो फ्लेम में एकदम सॉफ्ट होने तक इसे कुक करेंगे। हाई फ्लेम नहीं कर देना वरना जल जाएगा, इसलिए एकदम लो फ्लेम में ढककर इसे कुक करेंगे। तो इसे फिर पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा,
तो देखिए 3-4 मिनट के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाता है, ऐसे दबा कर देखना तो पेस्ट की तरह बन जाएगा। ठीक है, आप 1-2 चम्मच पानी भी दे सकते हो। मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला है अभी, बस टमाटर से नमक डाल देते हो तो टमाटर से ही रिलीज होगा, तो उसी में ही लो फ्लेम में हो जाता है। अगर आपका गैस एकदम तेज है लो करने पर भी, तो 2 चम्मच पानी डाल सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरह का हो गया है फाइन पेस्ट जैसा। फिर अभी जितना भी हम कलीफ्लावर और उसके स्टेम को पूरा जो गर्म पानी से निकाले थे ना, तो सभी भी डाल देंगे। साथ में एक आलू भी मैं डाली थी, तो सभी को मैं मिक्स कर लूँगी इसमें मसालों के साथ। बस इतना ही, पूरा सभी को ऐसे मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में, ताकि 1-2 चम्मच पानी भी होगा तो सूख जाएगा। पूरा सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर फ्लेम को लो करके बस ढक कर इसे 3 मिनट कुक करेंगे। क्योंकि आधा तो पहले ही पक चुका था, अभी 2-3 मिनट, मतलब 3-4 मिनट लगेगा थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए। आलू और कलीफ्लावर सॉफ्ट हो जाएगा तो बस हो गया अपना। तभी पूरा 3 मिनट के बाद देखिएगा पूरा सॉफ्ट हो चुका था। तो मैंने 1 टेबलस्पून फ्रेश कोकोनट, ग्रेटेड किया हुआ फ्रेश कोकोनट उसमें डाल दी हूँ। और फिर किचन किंग मसाला भी डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। फिर सभी को मिक्स कर लेंगे बस 1 मिनट इसे, फिर मिक्स करके ढककर ऐसे कुक कर लेंगे, तो ये भी मिक्स हो जाएगा और बहुत टेस्टी आएगा। ठीक है, बहुत टेस्टी लगेगी ये आपको। ये सब्जी आप इस तरह बनाइए, दाल चावल के साथ भी खा सकते हो और रोटी चपाती पराठा के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। बारिश के टाइम में इस तरह आप बना कर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये कलीफ्लावर स्टीर फ्राई बहुत इजी तरीके से बताई हूँ, बहुत ही टेस्टी लगेगी। ट्राई करके ज़रूर देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना। तो देखिए 1 मिनट के बाद पूरा सब अच्छी तरह से हो चुका है कलीफ्लावर। अब मैं इसे सर्व करूँगी, हो सके तो धनिया पत्ता भी होगा तो आप काट कर इसमें 1 टेबलस्पून डाल सकते हो। तो इस तरह आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह पराठा के साथ, रोटी के साथ ये सब्जी लेकर इंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगी और हेल्दी भी है। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो रेसिपी लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना अच्छी सी प्यारे से। फुल वॉच करिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फिर, आप लोग देखोगे तो वीडियो बनाऊंगी ना, तो आप लोग इस तरह देखते रहिए, फुल वॉच करिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।